नमस्कार, मैं शिवानी। नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। सरकार ने खाद्य महंगाई से राहत देने के लिए भारत ब्रांड के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सस्ती दरों पर दाल, चावल और आटा उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय खाद्य मंत्री ने इसे शुरू किया और NCCF की वैन 4 राज्यों में सामान वितरित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के कजान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय मुलाकात की। पुतिन ने भारत और रूस के विशेष रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया और कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी का कजान पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ, जिसमें भारतीय समुदाय ने नृत्य प्रस्तुत किया। 16वें ब्रिक्स समिट की थीम वैश्विक विकास और सुरक्षा है। कॉमनवेल्थ गेम से कई महत्वपूर्ण खेलों को हटाया गया है, जैसे हॉकी, क्रिकेट, रेसलिंग, शूटिंग और बैडमिंटन। आयोजकों ने इन्हें हटाने का कारण कम समय और वित्तीय संसाधनों की कमी बताया है, जिससे भारत के मेडल संभावनाओं पर असर पड़ सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 215 के गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी मामलों में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। यह मामला तब शुरू हुआ जब गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रति की चोरी हुई थी। पंजाब में विरोध प्रदर्शन के बाद यह मामला CBI को सौंपा गया था। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का उद्देश्य बेरोजगारी कम करना और युवाओं में कौशल विकास करना है। इसके तहत 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप के 1,25,000 अवसर उपलब्ध हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। चयन प्रक्रिया में स्किल के आधार पर युवाओं का चयन होगा और इंटर्नशिप दिसंबर में शुरू होगी। टेस्ला का पाई फोन एक ऐसा स्मार्टफोन है जो केवल प्राकृतिक प्रकाश में चार्ज होगा और स्टारलिंक से सीधे जुड़कर इंटरनेट प्रदान करेगा, जिससे उपयोगकर्ता सोचकर फोन नियंत्रित कर सकेंगे। हालांकि टेस्ला के CEO एलन मस्क ने इसे गपशप करार दिया है, लेकिन तकनीकी विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य में यह संभव हो सकता है। बिहार और झारखंड में कैंसर की सुविधाओं की कमी के कारण यहां कैंसर से होने वाली मौतें बढ़ रही हैं। महावीर कैंसर संस्थान और शोध केंद्र के मुताबिक लगभग 2.5 लाख मरीज, यानी कि 2.5 लाख मरीज हैं और हर साल 80,000 नए मामले सामने आते हैं। जागरूकता का अभाव और समय पर पहचान न होने से स्थिति और भी गंभीर हो रही है। विशेषज्ञों ने प्राथमिक पहचान और रोकथाम की आवश्यकता पर जोर दिया है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद खत्म हो गया है, जिसमें एक पेट्रोलिंग समझौता हुआ है। चीन ने पुष्टि की है कि उसने भारत के साथ गतिरोध को समाप्त करने के लिए सहमति बनाई है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि वे अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर के 5वें नेशनल वाटर अवार्ड में वेस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलेक्टर आशीष सिंह और नगर निगम कमिश्नर शिवम वर्मा को सम्मानित किया। इंदौर को जल संसाधनों के प्रबंधन में 10 में से 10 अंक मिले हैं और जिला पंचायत ने इसका नॉमिनेशन किया था। अहमदाबाद में वकील मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन ने फर्जी जज बनकर सरकारी जमीन पर विवादित आदेश जारी किया। उसने फर्जी कोर्ट का संचालन करते हुए अदालती कर्मचारियों की भूमिका निभाई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और गहन जांच जारी है। यशराज बैनर की स्पाई थ्रिलर वॉर 2 की शूटिंग जारी है, जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर NTR मुख्य भूमिका में है। फिल्म में 90 के दशक के दिग्गज सुपरस्टार शाहरुख खान का कैमियो होने की खबर है, जो पठान के रूप में नजर आएंगे। वॉर 2 2025 में रिलीज होने की संभावना है। वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और भाजपा नेता अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच विवाद हो गया, जिससे हंगामा मच गया। बनर्जी ने गुस्से में कांच की बोतल तोड़ दी और घायल हो गए। उन्हें एक दिन के लिए निलंबित किया गया है, जबकि विपक्ष ने विधेयक पर सवाल उठाए हैं। बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन को भारत सरकार से राहत मिली है, क्योंकि उनका निवास परमिट नवीनीकरण हो गया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। तस्लीमा, जो पिछले 20 वर्षों से भारत में रह रही हैं, कट्टरपंथियों के खतरे से चिंतित हैं और बांग्लादेश में बढ़ते अल्पसंख्यक उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त कर रही हैं। भारत और चीन ने 2020 से चल रहे LAC गतिरोध को समाप्त करने पर सहमति बनाई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इस समझौते की पुष्टि की है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चीन पर भरोसा बहाल करने की प्रक्रिया को लंबा बताया। यह समझौता राजनयिक और सैन्य स्तर पर व्यापक चर्चा का परिणाम है और दोनों देशों के संबंधों को स्थिर करने में मदद करेगा।
बिग बॉस 18 से बाहर हुई हेमा शर्मा, जिन्हें वायरल भाभी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने विवियन डिसेना को लाडला कहे जाने पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि विवियन और चैनल के बीच एक मजबूत बॉन्ड है जिससे वह लाडला बन गए हैं। हेमा ने यह भी कहा कि नए प्रतियोगियों को इससे इनसिक्योरिटी महसूस हो सकती है। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इंडिया ए टीम की घोषणा की है, जिसमें विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की वापसी हुई है। ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाया गया है। टीम ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 2-4 दिवसीय मैच खेलेगी, उसके बाद सीनियर टीम के खिलाफ इंट्रा स्क्वाड मैच होगा, 31 अक्टूबर से शुरू होगा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर 1,11,11,111 रुपए का इनाम रखा गया है। करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने यह घोषणा की, साथ ही पुलिसकर्मी को सम्मान और सुविधाएं देने का वादा किया। शेखावत, जो राजपूत परिवार से हैं, बीएसएफ में सेवा दे चुके हैं और वर्तमान में करणी सेना की कमान संभाल रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनावी हलचल के बीच पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले ने एनसीपी में शामिल होकर उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पार्टी ज्वाइन कर ली है। पवार ने बडोले का स्वागत करते हुए कहा कि उनके आने से पार्टी की ताकत बढ़ेगी। बडोले ने महायुति की सरकार के कार्यों की सराहना की और आश्वासन दिया कि वह बड़ी जीत हासिल करेंगे। चुनाव 20 नवम्बर को होगा। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा कि उन्हें कोई दस्तावेजी सबूत नहीं मिला है कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। हसीना के देश छोड़ने के बाद राष्ट्रपति ने यह दावा किया कि जिससे सियासी हलचल मच गई है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी ने इसे झूठा आरोप बताया, जबकि विधि सलाहकार ने इसे राष्ट्रपति के शपथ का उल्लंघन कहा। गौतम अडानी ने सीमेंट व्यवसाय पर जोर देते हुए अंबुजा सीमेंट के माध्यम से ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड को 8100 करोड़ रुपए में खरीदा है। इस अधिग्रहण से अंबुजा की बाजार हिस्सेदारी 2% बढ़ेगी और उत्पादन क्षमता अगले 2 वर्षों में 3 करोड़ टन वार्षिक तक पहुंच जाएगी। अडानी समूह अब देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन गया है। 22 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। निफ्टी 24,472.10 पर और सेंसेक्स 80,220.72 पर बंद हुआ। लगभग 553 शेयरों में तेजी, जबकि 3,264 में गिरावट आई। सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में रहे। विशेषकर मिड कैप और स्मॉल कैप में 2.5% और 3.8% की गिरावट हुई। विशेषज्ञों का कहना है कि निफ्टी 24,670 तक सीमित तेजी दिखा सकता है। पहलवान साक्षी मलिक ने अपनी किताब विटनेस में अपने करियर के संघर्षों और पहलवानों के आंदोलन के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के करीबी लोगों पर लालच भरने का आरोप लगाया है। इस पर विनेश ने कहा कि बहनों के लिए बोलना अगर लालच है तो वह स्वीकार करते हैं, जबकि बजरंग ने इसे साक्षी का व्यक्तिगत विचार बताया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनम वांगचुक के प्रदर्शन की अनुमति से संबंधित याचिका पर कार्रवाई बंद कर दी, क्योंकि प्रदर्शन वापस ले लिया गया था। वांगचुक ने गृह मंत्रालय से आश्वासन मिलने के बाद अपना अनशन खत्म किया। लद्दाख को संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर उनका आंदोलन जारी था। चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर यरलुंग त्सोंगपो नदी पर सुपर डैम बना रहा है, जिससे भारत में पानी का प्रवाह कम हो सकता है और बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। भारत ने सियांग नदी पर एक बड़ा बांध बनाने की योजना बनाई है, जिससे पानी की आपूर्ति 10 से 12 गीगावाट पनबिजली उत्पादन और बाढ़ का खतरा कम होगा। स्थानीय लोग इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। 22 अक्टूबर 2024 को भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। 24 कैरेट सोने की कीमत 78,232 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 97,635 रुपये प्रति किलो हो गई है। 22 कैरेट सोने का भाव 71,661 रुपये प्रति 10 ग्राम है। कीमतों में यह उछाल पिछले दिनों की तुलना में बढ़ा है। गूगल की फ्री मील पॉलिसी, जो कर्मचारियों को मुफ्त खाना देती है, क्रिएटिविटी और कम्युनिटी बिल्डिंग को बढ़ावा देने का एक तरीका है। सीईओ सुंदर पिचाई ने बताया कि यह लागत नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हालांकि पिछले कुछ सालों में बेनिफिट्स में बदलाव हुए हैं, फिर भी गूगल का प्रस्ताव सिलिकॉन वैली में सबसे आकर्षक है। साल 2024 बॉलीवुड और टीवी के लिए खुशियों का साल रहा है। दीपिका पादुकोण और युविका चौधरी जैसी एक्ट्रेस ने नन्ही परियों का स्वागत किया, जबकि कई अन्य एक्ट्रेस को जीवन साथी मिले, जो एकता कपूर के नागिन शो की बेला है। 27 अक्टूबर को सुमित सूरी से शादी करने जा रही है, उनकी शादी जिम कॉर्बेट में होगी। जनवरी से सितंबर 2024 के दौरान भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र में भूमि सौदे में 65% की वृद्धि हुई है, जिसमें कुल 1,700 एकड़ जमीन के 100 से अधिक सौदे हुए। प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर में इस वृद्धि का मुख्य कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का मजबूत भरोसा और अनुकूल आर्थिक स्थितियाँ हैं।
संजू सैमसन ने खुलासा किया कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप फाइनल में उनका खेलना तय था, लेकिन टॉस से 10 मिनट पहले उनका नाम प्लेइंग 11 से हटा दिया गया। उन्होंने रोहित शर्मा से बात की और बताया कि वह खेलना चाहते थे, लेकिन रोहित ने निर्णय का कारण समझाया। सलमान खान का चुलबुल पांडे किरदार रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन में नजर आ सकता है, जो एक अनएक्सपेक्टेड क्रॉसओवर होगा। फिल्म में अजय देवगन, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण और अन्य सितारे भी शामिल हैं। यह फिल्म दिवाली पर रिलीज होगी और कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 से क्लैश करेगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है राम बाबू दास, मोहम्मद शाकिर हुसैन, दीपक कुमार, सपना कुमारी, कौशलेंद्र कुमार सिंह और बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको क्या लगता है, भारत चीन सीमा विवाद खत्म होने के बाद भी क्या चीन पर भरोसा जताया जा सकता है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।